पहले तो केवी बधाई हो, आपको पापा बनने वाले हो। ओहो बधाई हो। काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे, फैमिली को लेकर क्या कहेंगे भाई? कैमरे को लेकर है ना बहुत उत्सुक रहता हूँ और बहुत टाइम से कैमरा फेस नहीं किया है तो आज तो कर हाँ नहीं नहीं तो इसलिए यही कैमरा है ये पूरे लॉकडाउन में जो मैं फेस कर रहा हूँ। सो प्लीज डोंट माइंड इट, या तो हम टीवी पे आए या फिल्म में आए, नहीं तो आप मुझे सोशल मीडिया पे ही देख लो। और रश्मि को किस तरह से बधाई देना चाहेंगे 11th एनिवर्सरी इस शॉप की, क्या कहेंगे? आई नो, यू नो व्हाट, क्या कहूँ मैं इसके बारे में, जेन्युइनली एक दिल से मैं पहले विश करना चाहता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू दैट यू नो फाइनली तुम्हें एक ब्रेन वेव आया कोविड के दौरान, आत्मनिर्भर हुई और तुमने यू नो थोड़ा मीडिया लोगों में ऐसे यू नो पीपल शुड नो अबाउट योर वर्क। आई ऑलवेज बिलीव दैट व्हेन यू डू गुड वर्क पीपल शुड नो अबाउट, अदरवाइज आप कर रहे हो काम यू नो, और अब ऐसा जमाना रहा कि यू नीड टू जस्ट पुश योरसेल्फ एंड ऑलवेज सेल्फ पुश योरसेल्फ पुश योरसेल्फ, बिकॉज इसके सारे ऑल आर फ्रेंड्स फ्रॉम टेलीविजन और फिल्म्स दे ऑल वेयर हर क्लोथ्स ओके एंड आई से दे आर वेयरिंग यू नो तुम अपने फीड पे डाल दो कुछ नहीं तो तुमने पुश किया तो मैं आगे बढ़ गई। हाँ रियली ऐसे तुम अपने फीड पे डाल दो भाई कुछ नहीं तो उनको मत बोलो डालने के लिए नहीं मैं नहीं वो लेट माय वर्क स्पीक वगैरह ठीक है यू नो, बट अगेन आई एम ग्लैड दैट दिस हैज हैपेंड एंड इट्स हैपेंड रियली गुड, आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल हैव कम, थैंक यू, सो माय विशेस आर ऑलवेज देयर फॉर ऑल गुड विशेस, थैंक यू। सो केवी आज आप इनको बधाई दे रहे हो, दूसरी तरफ आप भी कुछ न्यू फ्रेंचाइज लेके आ रहे हो, उसके बारे में क्या? आई नो मैं एक्चुअली आई डोंट वांट टू, ये एक्चुअली सरप्राइज है बट बोल देता हूँ मैं, बोल दो तो क्यों बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम ही है जो आजकल यू नो हम भांग चरस की जो बात करते हैं ना जेन्युइनली, तो चरस का एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं हेम्प, तो हेम्प सीड्स पीपल डोंट नो अबाउट इट, हेम्प सीड्स इज अ वेरी मतलब वहाँ उसकी है ना उसके कपड़े बनते हैं हेम्प सीड्स के, तो उसको लेकर वी आर डूइंग समथिंग, सो आई डोंट नो डिस्क्लोज इट राइट नाउ, दिस इज हर टाइम, बट यस वी आर डूइंग समथिंग ऑन दोज लाइंस यू नो मेंस वेयर, तो लगता है मैं कोलैबोरेट ही कर लूंगा नेक्स्ट ईयर। बट जैसे कि अभी आपने कहा कि इतना लाइक ये सारी चीजें कर रहे हैं और उसके रिलेटेड या फिर क्या कुछ सोचा है? सी पीपल ओनली नो अबाउट वीड या गांजा चरस, खाली वो प्लांट का बस वही है, उनको वही समझ में आता है, नहीं बट उसके इतने सारे फायदे हैं यू नो, उसका जो ऑयल होता है वो आर्थराइटिस के लिए काम आता है, उसका जो ऑयल होता है वो फेशियल यू नो जस्ट फॉर यू नो लोग स्किन पे लगाते हैं, अगर यू नो आपकी चार्ड हो जाती है स्किन उसके लिए लगाते हैं, देर आर सो मेनी मेडिसिनल बेनिफिट्स टू इट, पीपल टेक इट एक्सट्रीमली हाँ, और सिर्फ उसी चीज़ को वो यूज़ करते हैं तो उस मतलब नाम ख़राब हो गया, कैन यू इमेजिन उसका मतलब उसके कपड़े बनते हैं, आई एम सरप्राइज मतलब ऐसे इतने सॉफ्ट ऐसे वाले, आई वाज शॉक्ड दैट हेम्प सीड्स के, हेम्प सीड्स हम क्या बोलते हैं ना वो हमारे दलिये के ऊपर लगाते हैं डालते हैं खाने के लिए, तो हाउ मेनी बेनिफिट्स, सो या मैन आई थिंक नेक्स्ट ईयर आर्या और आर्या या तो आर या पार होगा, या आर्या पार। और इनके भी इसके अलावा अभी आप फैमिली ट्रिप घूम के आए हो तो उसके बारे में कुछ बताओ यार, ये मुद्दा शुड बी दिस ओनली, तो इतने सारे सवाल पूछ लिए हाँ ये सब बस आप मिलते बहुत रेयर हो इसलिए कि हाउ वाज योर वेकेशन, व्हाट डू वांट टू से लाइक बेस्ट मेमोरीज, क्या लाइक फैमिली ट्रिप कैसी रही? वापस आने का मन नहीं किया, एक महीना हम दूर थे देहरादून में, इतनी अच्छी खुशबू चील कर रहे थे, काम कर रहे थे शूट कर रहे थे, चील भी तो कर रहे थे, बिल्कुल नहीं भाई हम लोग 14-14, 16-16 घंटे काम करते थे हम लोग, बिकॉज़ वी वांटेड टू फिनिश द मूवी फास्ट, बिकॉज़ इतना भी नहीं कि आराम से चिल करो भाई काम भी करना है, सो बट काम को एंजॉय कर रहे थे ना, एब्सोल्युटली बिकॉज़ इट डिडंट फील लाइक हम लोग वो डर था कि बिकॉज़ एक ही जगह हम लोग क्वारंटाइन थे और हमारा यूनिट था एंड नोबडी फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड कुड गो, अंदर से बाहर को नहीं जाता, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, आई एम रियली शॉक्ड, देखो बड़ी हल्की सी आती है तो मेरे लिए बहुत फायदे में रहा, वो मूंछ उगाना वो पतली सी जो है ना जो कौली कौली मूंछे आती है ना जो आप 18 साल के होते हो कॉलेज में जाते हो, और रोल ही ऐसा था कॉलेज वाले बंदे का रोल था, तो मतलब यार ऐसे मुगवा के ऐसे रियल भी लगेगी हाँ,
बट जब दाढ़ी आती है तो वो छिप जाती है कि इतनी वो पतली नहीं लगती। जाती है बट कहां अब बहुत मुझे अच्छी लगी यार, वो थोड़े सूट कर रही थी। ओके के भी आप यहां पे और बिग बॉस की बात ना ऑन दिस बाब है, मैं अभी बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैंने आपने नो कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा आज आज। अच्छा एक सवाल बिग बॉस का, ओनली वन। ओके सबके गेम कैसे लग रहे हैं और ऐसी है उसने एक ही सवाल किया। सबके गेम मुझे सबके गेम बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमें सबके गेम तुर्रम खान है सारे के सारे, लेकिन आज जिसने गेम खेला वो है रश्मि। क्या गेम खेला उन्होंने। अरे रश्मि से घर के अंदर भी रश्मि की बातें हो रही है पिछले सीजन की, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो यही है कि जैस्मिन ने वो जो पानी फेंका वो रश्मि से, वो मुझे पता नहीं वो यार इंस्पिरेशन क्या है। तो उस तरह से तो आई थिंक मेरे बिग बॉस में श्रीशांत ने पानी फेंका था तो दीपिका ने भी पानी फेंका था, तो क्या उस थोड़ी है कि वो कॉपी कर रहे हैं। जब मन में आया जो किया, मेरे मन को भाया, मैंने पानी मार के मोमेंट हो जाता है। देयर इज नथिंग लाइक कॉपिंग, बट यू नो व्हाट, एवरीबॉडी प्लेज अ ग्रेट गेम। रश्मि प्लेड अ फैंटास्टिक गेम, आई विश शी वाज हियर टू। ओके शी इज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन, सो आई लव्ड हर गेम एज वेल, एंड आई लाइक जैस्मिन्स गेम ऑल्सो। एंड एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर गेम, यू नो इट्स अ गेम प्लेड एज अ गेम। बट मैं ही था जो गेम की तरह नहीं खेल पाया, एक गुस्से में नहीं, गुस्से में नहीं, आई जस्ट प्लेड इट लाइक हाउ आई शुड बी प्लेइंग लाइफ। आपका दूसरा सवाल था जो मैं आंसर नहीं करूंगा, लेकिन आपके ट्वीट के बारे में स्पेशली लोग पूछना चाहते हैं। ये क्या है, बोले तीन लोग, तीन तीन सवाल हो गए। सॉरी ये आर्य को रिलेटेड क्या कहना है उस ट्वीट को लेके स्पेशली, अगर मैं पूछूं जो सलमान को लेके कहा था कि सामान वाला कमेंट था तो बहुत बड़ा लाइक हाईलाइट हुआ था उसके बारे में आप? मुझे सामान देखो उसके साथ क्या हुआ या उसने सॉरी बोला हुआ, उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं था। आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट वर्ड शी सेड। इफ ही सेड शी इज फेयर इनफ टू फील बैड, जैसे कि माई वाइफ वॉज फेयर इनफ टू फील बैड के यू नो पीपल आर मेक यू नो इन साइड द हाउस ऑल्सो, एंड यू नो एंड सलमान भाई हैज़ अ वे ऑफ जोकिंग, सम पीपल मे लाइक इट, सम पीपल मे नॉट लाइक इट। माई वाइफ डिडंट लाइक इट, टोटली सपोर्ट हर, यू नो, तो उसने उस तरह से लिखा। सो आई थिंक एवरीबडी इज गॉट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड एवरीबडी शुड बी, ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी रिस्पेक्टेड। एजाज मेरा दोस्त, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एजाज आई विश यू ऑल द बेस्ट, सीरियसली यू प्लेइंग अ लवली गेम, जस्ट स्टे द वे यू आर एंड यू आर फिनोमिनल। और नई लव स्टोरी बन रही है अंदर, मैं सुन रहा हूँ। क्या लग रहा है, ये पर्पसली बना रहे हैं कि सच में? नहीं नहीं, एजाज एजाज है उसका वो ही इज अ वर्गो, सॉफ्ट। हां वो है, मतलब वो प्यार में बेचारा बहुत धोखा भी खाया है तो प्यार हो जाता है। आई टोटली अंडरस्टैंड हिम। मेरी तरह नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब हो गया खत्म। ओके थैंक यू। और लास्टली फैंस के लिए दिवाली विश हो जाए। सो विशिंग एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली एंड अ न्यू ईयर। बी सेफ, स्टे एट होम, नो एक्चुअली नो व्हाट, बी सेफ बट डोंट स्टे एट होम, चिल, गो आउट, या बट बी सेफ, दैट्स इंपॉर्टेंट। या बी सेफ, या थैंक यू, हैप्पी दिवाली। या हैप्पी दिवाली।